नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पूरे बिहार में आरजेडी की तरफ से आज यानी 17 जून को आक्रोश मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई अग्निपथ योजना को लेकर है। आरजेडी इसका जमकर विरोध आज करने वाली है। हालांकि ये जो प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाएगा। आपको बताएं कि जब से अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया है तब से पूरे देश भर में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। खासकर बिहार में जमकर बवाल काटा गया है। बिहार के कई जिलों में, कई क्षेत्रों में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार हंगामा जारी रहा। प्रदर्शनकारियों की तरफ से काफी उग्र तरीके से प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई है बिहार के विभिन्न जिलों से कि किस तरीके से जो है आम लोग परेशान रहे हैं। सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेन रद्द कर दी जा चुकी थी, साथ ही साथ ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बाधित रहा। सड़क मार्ग पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित रहा। और अब इसी कड़ी में आरजेडी युवाओं के सपोर्ट में आज उतरने वाली है। इस बाबत आरजेडी की तरफ से आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। क्या कुछ आरजेडी ने कहा है, क्या ऐलान है आरजेडी का, पहले आपको उनकी पूरी ट्वीट को सुनवाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राज्य भर में युवा आरजेडी द्वारा आज यानी 17 जून को 2 बजे में सभी जिला मुख्यालयों में लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन एवं आक्रोश मार्च कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी युवा एवं छात्र अग्निपथ योजना के विरुद्ध इस शांतिपूर्ण योजना का हिस्सा बने। आरजेडी ने यह ऐलान किया है कि आज दोपहर 2 बजे सभी जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन किया जाएगा। नरेंद्र मोदी साथ ही साथ रक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। ऐसे में आरजेडी ने युवाओं से यह अपील की है कि वो इस शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा बने, इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा बने। प्रदर्शन को उग्र करने की जरूरत नहीं है, हंगामे को जो है वो करने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की इस योजना का विरोध किया जाएगा। युवा लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। युवाओं में एक तरह का असंतोष, एक तरह का डर जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे बिहार भर में। और अब आरजेडी की तरफ से आक्रोश मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही साथ पुतला दहन भी किया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी जब ये प्रदर्शन करेगी तो क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बातें रखी जाती है, ये 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।